देखिए, घर में घुसकर परिवार पर हमला हुआ है, ये खबर पानीपत से आ रही है, जहां घर में घुसकर एक परिवार पर हमला हुआ, 15 हथियारबंद लोगों ने हमला किया है। सीसीटीवी में हमले की ये पूरी तस्वीरें जो हैं, वो कैद हो गई। हमलावरों की तलाश में अब पुलिस जुटी है, क्योंकि अब पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है खंगालने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर पानीपत से पहुंचा रहे हैं, घर में घुसकर परिवार पर हमला हुआ है, 15 हथियारबंद लोगों ने यह हमला बोला है, तीसरी आंख ने सारी वारदात कैद कर ली, यानी कि सीसीटीवी में हमले की ये सारी तस्वीरें कैद हो गई हैं, जिसके आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है, जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने का दावा भी कर रही है। पानीपत से ये बड़ी खबर आई है, जहां घर में घुसकर परिवार पर हमला हुआ है। लगातार बढ़ते क्राइम के ग्राफ को थोड़ा और ऊपर लेकर जाने वाली ये खबर आई है पानीपत से, जहां पर घर में घुसकर एक परिवार पर हमला हुआ। आरोप 15 हथियारबंद लोगों पर है, जो घर में घुसकर परिवार पर हमला बोलकर चलते बने। हालांकि सीसीटीवी में सारी तस्वीरें कैद हो गई हैं, जिनके आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है और उन तक पहुंचने की, गिरफ्त में लेने की लगातार प्रयासरत है, कोशिश में जुटी है। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हमारे संवाददाता पानीपत से ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, कौन थे ये हमलावर, परिवार पर हमला क्यों हुआ, किसी के हताहत होने की खबर है, कितना क्या आरोप है और कितनी कोशिश है पुलिस की तरफ से, आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बुधवार सुबह की घटना है कि सरेआम बाजार में जो है नीरज त्यागी है, उनका मार्केट के अंदर ही घर था, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 14-15 बदमाश जो है हाथों में डंडे डंडासी और कुछ नजर हथियार लेके जिस तरीके से घर में घुसे, तो उनका इरादा तो नीरज त्यागी को मारने का है, जो नीरज त्यागी बता रहे हैं, जिन्होंने FIR में लिखा है। लेकिन उनके घर में उनकी माता और उनकी पत्नी थी, उनके साथ उन्होंने बदतमीजी की है, सोने की चैन वगैरह और 35,000 रुपए उनसे छीन के ले गए। और फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने भी 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस जो है जांच कर रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं परिवार जो है, आज भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो सदमे में है, बोल कुछ नहीं रहा, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें इस ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या हो। तो लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इनके पहले भी बताई जा रही है कोई आपस में रंजिश थी, जो लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चिन्ह चलाते हैं, सोनू उनका नाम बताया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ही डीएसपी खुलासा करेंगे कि इसमें एक सतीश वत्स के इसमें आगे ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आगे क्या अपडेट रहता है जानने के लिए मैं जरूर लौटूंगी, क्योंकि इस तरह के लोग अगर खुले में घूम रहे हैं तो लोगों के डरने का सवाल उठ खड़ा होता है, और जो डर इस परिवार को इस वक्त लग रहा है उसे भी समझा जा सकता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। ये वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह हथियारबंद लोग एकाएक घर में घुसते हैं, दौड़ते हुए घुसते हैं, दरवाजा भी तोड़ने की इन्होंने किस तरह से कोशिश की है वो भी सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। 15 हथियारबंद लोग एक एक करके घर में घुसे, घर में तबाही मचाई, लूटपाट किया, सोने के गहने और नकदी भी इन्होंने लूटी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, प्रदेश